हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। अभी अभी उठा हूँ तो आज का दिन बड़ा मसरूफ़ होने वाला है। कल ईद है और काफ़ी सारी शॉपिंग करनी है, तो चलें हमारे साथ रहिए और देखिए कि क्या होता है। तो गाइस, सबसे पहले तो मुझे चाय बनानी पड़ेगी क्योंकि अभी नाश्ता नहीं किया। नाश्ता करेंगे, नाश्ता करने के बाद फिर शहर जाना है। शहर से काफ़ी सामान लेना है घर के लिए, प्याज टमाटर वगैरह, क्योंकि कल ईद है तो इसलिए आज ही सब कुछ लेना पड़ेगा। कल तो फिर बाज़ार से मिलना भी नहीं। तो गाइस देखें, ये हमारी चाय पक कर तैयार हो चुकी है। तो गाइस, हमारी चाय तैयार हो चुकी है। जल्दी जल्दी नाश्ता करते हैं और फिर शहर भी जाना है। आज तो काफ़ी काम है। इधर देखें, ये बाजार में कितना ईद का रश पड़ चुका है। देखिए कितनी महंगी कर दी चूड़ियां भी। तो वीवर देखें, ये बेगम साहिबा को चूड़ियाँ लेकर दे दी हैं। ये इन्होंने पसंद की थी और इनको ले दी हैं। ये देखो, ये मैं चूड़ियाँ लेकर आई हूँ शहर से। शहर बहुत रश था, बहुत ज़्यादा रश था। बस मैंने चूड़ियाँ ली हैं और थोड़ी सी चीज़ें, कुछ और भी चीज़ें ली हैं अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए भी एक चीज ली है। दिखाओ कौन सी चीज़ ली है मेरे लिए। देखें वीवर, मेरे लिए भी। ये देखो, मैंने अपने हस्बैंड के लिए बॉडी परफ्यूम ली है। वाओ, ठीक है। इसके मैंने चेक की थी। बड़ी प्यारी खुशबू है। मैंने कहा चलो ये दे, इसके लिए कोई चीज़ नहीं लेती। बस मैंने चूड़ियाँ ली और इसके लिए ये परफ्यूम लिए और थोड़ी सी कुछ अपने लिए और चीज़ें ली हैं। तो अच्छा भी, बस अब मैं अपने हस्बैंड को ऑफिशियल करने लगी हूँ घर में। गर्मी बहुत है इसलिए इसका कलर बहुत ख़राब हुआ हुआ है। अच्छा। अभी शेप करा कर आया। मैंने कहा चलो इसकी अब मैं थोड़ा स्पेशल कर देती हूँ। तो देखें वीवर, आज मेरा बेगम साहब ऑफिशियल करने लगी है, आपको दिखाते हैं। ये मैंने घर पे से लेकर रखा हुआ है नरमा कोल का। अब मैं इसको फिर स्क्रब करूंगी, कीविया स्क्रब करूंगी। जैसा कि आप सबको पता है कल ईद है इसलिए शेव करवाई। मैंने सोचा चलो इसको फेशियल कर देती हूँ, थोड़ा सा वाइट हो जाए। गर्मी बहुत है, कलर बड़ा खराब हुआ है इसका। ये देखो कैसे बैठ गए। थोड़ा सा मुंह नीचे करो। ये मैं 5 मिनट मसाज करूंगी इस स्क्रब का। तो अब मुंह से तो इतनी मैल उतरी जैसे साल हो गया इसके मुंह ही नहीं वॉश किया। ये तो बैठा भी नीचे हुआ है, मैं चार पाँच बैठी हुई हूँ इसलिए थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। इंजर का स्क्रब करूंगी इसके मुंह पर 5 मिनट तकरीबन। ये भी करूंगी, देखो कोई मुंह पर फर्क नजर आ रहा है। मुझे तो आ रहा। आपने फैसला करना है कि कुछ फर्क पड़ा है या नहीं। तो ये देखो, इसको
खराब किया है, इसके मुंह पर कोई थोड़ा बहुत फर्क मुझे तो लग रहा है, आप लोगों को लग रहा है या नहीं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और भैया मैं इसको क्लिंजर करने लगी हूँ, तकरीबन ये भी 5 मिनट करूँगी। मैं मुझे तो नज़र नहीं आ रहा था इसके, मैं मुँह ओंठों पर लगा रही थी। ये देखो लगा रही है, मुझे तो काफ़ी जो पहले मैंने किया है स्क्रब उसके साथ फ़र्क लग रहा है, महसूस हो रहा है आप लोगों को फ़र्क महसूस हो रहा है या नहीं पहले से? मैंने घर पर पार्लर खोल लिया, देखो मुंह नीचे करो ऐसे। अब सो नहीं जाना, अच्छा वैसे फेशियल करवाओ तो बड़ा मज़ा आता है, नींद आने लग जाती है, बड़ा सुकून मिलता है। इसका पता कहीं ये भी ना सो जाए। हेलो आंखें खोलो, सो नहीं जाना। अब मैं 5 मिनट जी करूँगी स्क्रब क्लींजर इसको। ये तो बहुत ठंडा ठंडा है। ठंडा तो लग रहा है ना, ऐसे लगा लगेगा जैसे बर्फ है, बड़ा सुकून। हाँ, बड़ा ठंडा ठंडक मुंह को पहुंचाता है, ऐसे लग रहा है जैसे बहुत ठंडक पहुंचा रहा है। मैं भी बहुत उतारता है इसमें तो, जो ये पाकिस्तानी मशहूर टॉफी नहीं होती ऑस्ट, उस जैसी खुशबू भी आ रही है और उस तरह ठंडा कर रहा है चेहरे को। ये देखो इसके मुंह के ऊपर कितनी मैल आ गई है, जैसे इसने सदियों से मुंह ही नहीं धोया। अब रोज नहीं कहने लग जाना मुझे फेशियल करो, अच्छा ये थी इसलिए मैंने कर दिया। मैंने पैसे लेने फेशियल के 1000 रुपया, ठीक है ना? पार्लर पर जाते तो उन लोगों ने भी लेने थे, ठीक है भाई? अगर कुछ फर्क पड़ा तो 1000 दे देंगे, वीवर फैसला करेंगे, अगर कुछ फर्क पड़ा तो आपको पैसे मिल जाएंगे। फर्क तो पड़ेगा, देख लेते हैं। आप सब लोग जरूर बताएं, बताइएगा अभी इसके मुंह पर फर्क पड़ा है या नहीं। अब ये लास्ट रह गया जो इसके मुंह पर करोगे, ये देखो मुझसे भी ज्यादा वाइट हो गया है। अब ये लास्ट वाला है ना, अब ये इसको ये करूँगी। तो वीवर देखें, सब कुछ मुकम्मल हो गया है, वाश करके आपको दिखाता हूँ। अगर कुछ सही मानों में फ़र्क पड़ा है तो आपने ज़रूर बताना है, तभी इसको मैंने पैसे देने हैं। हाँ, तो ज़रूर बता। तो वीवर आपने अब सही सही फैसला करना है कि कुछ मुझसे भी ज़्यादा वाइट लग रहा है नहीं। मुझे तो नहीं लग रहा बाकी कुछ फ़र्क पड़ा है सही से बताना आपने। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसके साथ ही आपसे इजाजत चाहते हैं, और प्लीज कमेंट में जरूर बताना कि तो फर्क पड़ा या नहीं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में जरूर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।